गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ यार मैं आज आपके सामने AWS Route 53 का लेक्चर लेके, जिसमें आज हम देखेंगे कि यार Route 53 कैसे काम करता है, ये होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग काफी टाइम से इस लेक्चर का वेट कर रहे थे, तो आज आपको मैं बेसिक तरीके से, बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बात से शुरू करते हुए मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। तकरीबन 2-3 लेक्चर हमें इसके थ्योरी के पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भैया Route 53 कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो ये कि अमेज़न ने इसका नाम राउट 53 ही क्यों रखा, तो इसकी वजह यह है कि जो हमारा DNS होता है, DNS सर्वर होता है, या आप इसे क्या लें, डोमेन नेम सिस्टम जो हमारा होता है, वो हमारा काम करता है TCP पोर्ट नंबर 53 पे। इस वजह से ही हमने इसका नाम AWS Route 53 रखा, क्योंकि ये पोर्ट नंबर 53 जो DNS का होता है, ये बेसिकली उसके लिए ही इस्तेमाल होता है। अब सवाल ये आता है कि DNS क्या होता है। DNS काम करता है आपके डोमेन नेम को IP में रिजॉल्व करने का, यानी डोमेन नेम को कन्वर्ट करने का IP एड्रेस में। फॉर एग्जांपल, आपने गूगल में सर्च किया www.facebook.com, आपने ये एक वेबसाइट का नाम लिखा URL में और एंटर किया, तो आपका फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझता, कंप्यूटर के बैकएंड पे जो राउटर लगे हैं वो इसको नहीं समझते, वो इसके आईपी एड्रेस को समझते हैं। तो इस डोमेन को जो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, लाइक 11.11.11, उसको ही बोलते हैं DNS सर्वर, जो इस डोमेन को कन्वर्ट करेगा आईपी एड्रेस के अंदर, यानी इसको बदल के उसमें कर देगा। ये कुछ ऐसा है, आप ये समझे कि जब आपने किसी से बात करनी है, आपने विकास से बात करनी है, तो आप अपने फोन में विकास का नाम सर्च करते हैं, एंटर करते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं विकास के नाम पे कॉल लग जाती है। लेकिन क्या फोन बुक में जो विकास का नाम पड़ा था कॉल उससे ही लग गई? नहीं, उसका एक फोन नंबर मैंने सेव किया हुआ था, कॉल उस पर लगती है, विकास पे नहीं लगती। पर क्योंकि मैं उसका नंबर याद नहीं रख सकता था, तो मैंने उस फोन नंबर के साथ उसका नाम लिख दिया, तो मैं उसके नाम को क्लिक करूंगा पर कॉल उसके नंबर पे लगेगी। ऐसे ही आपने facebook.com सर्च करना है, पर एक्चुअल में कंप्यूटर कॉल किसको करता है? फेसबुक के आईपी एड्रेस को कॉल करता है, वो फेसबुक को नहीं जानता। फेसबुक तो एक नाम है, इस नाम के और सारे भी डोमेन हो सकते हैं, वो इसके साथ कनेक्टेड इसके आईपी को समझता है, और ये यूनिक होता है। इसका आईपी जो होगा वो पब्लिक आईपी होगा, वो यूनिक होगा, वो किसी और के पास नहीं होगा। अगर दो के पास है तो फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा राउटर की, वो यहां भेजे या वहां भेजे। तो DNS का बेसिक काम क्या है? हर डोमेन को सेव करना और उस डोमेन का आईपी अपने पास रखना। तो जैसे ही उसके लिए रिक्वेस्ट आएगी कि जू मुझे फेसबुक से बात कर, फेसबुक देखना है, फेसबुक चलाना है, तो आपने गूगल पे सर्च किया facebook.com, DNS तुरंत क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा उसके आईपी में, और उस आईपी को आगे फॉरवर्ड करेगा, भाई इसको इसके सर्वर से कांटेक्ट करो, ये बंदा इसके सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये काम होता है DNS सर्वर का। और क्लाउड के अंदर, अमेज़न के अंदर यही काम आपको कौन प्रोवाइड कराता है? DNS, ये जो रिजॉल्वर का काम है, DNS रिजॉल्वर आप कह लें, या डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करने का काम कह लें, ये काम करता है राउट 53। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं, 4 फंक्शंस होते हैं जो मैंने लिखे हैं, और अभी और डिटेल में इसको समझेंगे कि राउट 53 या DNS कैसे काम करता है। उससे पहले एक बेसिक डेफिनेशन, यू कैन यूज अमेज़न राउट 53 टू रजिस्टर न्यू डोमेन्स। आप राउट 53 का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर सकते हैं? न्यू डोमेन के लिए कर सकते हैं। अगर आपको, क्या आपको, शायद कई लोगों को ना मालूम हो कि ये जो नाम होते हैं ना, ये जो facebook.com है, अब सपोज मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं, और वो वेबसाइट मैं बनाना चाहता हूं www.technical या techguftgu.com। अब मैं ये वेबसाइट बनाना चाहता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से तो वेबसाइट नहीं बना सकता, पहले मुझे इस डोमेन को खरीदना पड़ेगा। मुझे डोमेन, जो हमारे रजिस्ट्रार होते हैं, जो डोमेन हमें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे गो डैडी है, उसके पास जाके हमें इस डोमेन को खरीदना पड़ेगा, अगर ये अवेलेबल है। अगर ये कोई और ऑलरेडी ले चुका है तो फिर मैं नहीं ले सकता, क्योंकि डोमेन आप एक ही, मतलब यूनिक होते हैं सबके डोमेन, तो मुझे ये डोमेन नहीं मिलेगा। फिर हो सकता है मुझे .com की जगह .in मिल जाए, या मुझे .org मिल जाए, ये पॉसिबल है। अगर .com बिक चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि .org आपको नहीं मिल सकता, वो आपको मिल सकता है। समझ आ रही है बात? तो ये डोमेन मुझे खरीदने पड़ते हैं।
ये जो डोमेन होते हैं ये प्रोवाइड आपको करते हैं, जैसे GoDaddy आपको प्रोवाइड कराता है, ऐसे ही AWS भी आपको अब प्रोवाइड कराता है। आप AWS से भी अपना डोमेन खरीद सकते हैं, वो आपको डोमेन प्रोवाइड करा देगा और वो भी अब एक रजिस्ट्रार की तरह काम करता है। रजिस्ट्रार क्या होते हैं, वो जो GoDaddy है वो एक काइंड ऑफ रजिस्ट्रार है जो आपको डोमेन प्रोवाइड कराता है। ट्रांसफर एग्जिस्टिंग डोमेन, राउट 53 का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि अगर अभी तक आपका जो डोमेन था वो कहीं और दूसरे उसमें है, GoDaddy के पास है सपोज करें या फ्रीनोम के पास है जो डोमेन प्रोवाइड कराते हैं, और आप चाहते हैं कि अब मैं वहां से उठा के इसे AWS पे ले आऊं, तो आप उस डोमेन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, माइग्रेट भी कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्री को, उसके डिटेल्स को अब वहां से उठा के आप AWS में ला सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। राउट ट्रैफिक, राउट ट्रैफिक का मतलब है कि आपने टैग guftgu.com बना रखा है, ये आपने GoDaddy पे बनाया है, GoDaddy जो आपका है ये डोमेन आपने वहां से खरीदा है, बट आपका जो सर्वर है टैग guftgu.com का, वो सर्वर कहां पड़ा हुआ है, वो सर्वर आपका AWS में पड़ा हुआ है, तो अब ये उस ट्रैफिक को राउट कर देगा, AWS जो है वो उस ट्रैफिक को राउट करेगा कि जितना भी www.taggufgu.org पे ट्रैफिक आएगा, जो भी मेरी वेबसाइट को एक्सेस करेगा, वो कहां पे आ जाए, वो AWS के सर्वर पे आए। ये रास्ता कौन बताएगा, AWS GoDaddy के साथ कम्युनिकेट करेगा, अपने नेम सर्वर रजिस्टर करेगा, अब ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, और उसके बाद GoDaddy के पास जब भी कभी इसके लिए रिक्वेस्ट आएगी, GoDaddy फॉरवर्ड कर देगा उस ट्रैफिक को AWS के पास, तो AWS के सर्वर के पास। तो ये सारा काम भी कौन करता है, राउट 53 करता है। And external resource and monitoring the health of your resources. ये आपकी health को भी monitor करेगा। अगर आपकी website के दो server पड़े हुए हैं और दोनों में से एक server खराब हो गया, suppose करें ये server 2 है, अगर server 1 खराब हो गया तो ये बात भी route 53 monitor करता रहता है, health check करता रहता है, और फिर अब यहाँ पे वो request अगर GoDaddy बार बार भेजेगा तो क्या होगा, server not accessible आएगा, server not reachable आएगा, उस case में वो अमेज़न जो है राउट 53 वो अपडेट करेगा कि भैया आपने अब जो ट्रैफिक है ना वो यहां नहीं भेजना, आपने ट्रैफिक यहां भेजना है, सर्वर 2 पे भेजना है। ये बात कौन बताएगा, राउट 53 बताएगा GoDaddy को। समझ आ रही है बात, तो ये सारी बातें हमें अभी डिटेल में पढ़नी है। मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दिया है कि राउट 53 किन-किन चीजों में काम आ सकता है, वही चार फंक्शन यहां पे लिख दिए हैं। डीएनएस मैनेजमेंट में काम आ सकता है, डीएनएस मैनेजमेंट यानी कि www.technicalguftgu.org जो मैंने डोमेन खरीदा है उसको कैसे मैनेज करना है उस काम आ सकता है, ट्रैफिक कैसे मैनेज करना है उस काम आ सकता है, अवेलेबिलिटी यानी हेल्थ चेक, मेरे कितने सर्वर अवेलेबल है, कौन सा खराब हो गया अब उस पर ट्रैफिक नहीं भेजना, वो सारी चीजों का ख्याल रखता है। और नया डोमेन अगर आप खरीदना चाहते हैं, आप खुद की कोई वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए डोमेन आपको चाहिए, तो GoDaddy के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप AWS पे भी आप उस डोमेन को खरीद सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली लैब्स में भी दिखाऊंगा कि कहां क्या खरीदा जाता है, कैसे सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। इसके बाद अब जरा बेसिक समझ लेते हैं कि DNS काम कैसे करता है और कैसे हमें इस वेबसाइट तक हम पहुंचते हैं। अब सपोज करिए कि मेरा जो एक यूजर है वो यूजर बात करना चाहता है, वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है www.techguftgu.com पे, तो अब वो क्या करेगा, वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगा, इंटरनेट के थ्रू ही वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा, लेकिन इंटरनेट के पास अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी इसका बैकएंड का पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा, तो कहां कहां वो इंटरनेट पे कहां वो रिक्वेस्ट जाती है, कैसे वो रिजॉल्व होती है और कैसे मेरा यूजर यहां पहुंचता है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो सपोज करें कि अभी मेरा सिस्टम जो है बिल्कुल नया है, मेरे ब्राउजर के कैश मेमोरी में कुछ नहीं पड़ा हुआ, मुझे नहीं पता कि ये वेबसाइट कहां पड़ी है, किधर है, ये बिल्कुल नई वेबसाइट है। तो सबसे पहले यूजर की जो रिक्वेस्ट है, जब वो इंटरनेट पे जाएगी तो वो कहां जाएगी, सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी, मैं अभी यहां ना दिखा के आपको इस अलग दिखा देता हूं, सबसे पहले वो जाएगी DNS रिजॉल्वर के पास। DNS रिजॉल्वर कौन होगा, इंटरनेट पे पड़ा हुआ आपका इंटरनेट प्रोवाइडर ही होगा, जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वही DNS रिजॉल्वर होगा। तो अगर उसके पास इनकी इंफॉर्मेशन है तो वो आपको सीधा भेज के कम्युनिकेट करवा देगा टेक्निकल गुफ्तगू के सर्वर से, लेकिन अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, DNS रिजॉल्वर के पास इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो DNS रिजॉल्वर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा किसके पास, रूट सर्वर के पास, रूट नेम सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा। रूट नेम सर्वर क्या होते हैं, ये वो सर्वर होते हैं जिनके पास .com की सारी इंफॉर्मेशन होती है। रूट जो होती है, रूट बिल्कुल एक जड़ कहते हैं ना जिसको, तो ऐसे रूट का मतलब होता है जहां से वो डोमेन स्टार्ट हुआ है, तो डोमेन हमेशा ऐसे पढ़ा जाता है, पीछे से स्टार्ट होता है, तो सबसे पीछे का उसका देखा जाएगा कि
कि टॉप लेवल डोमेन क्या है, दिस इज कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। तो उसका पहले टॉप लेवल डोमेन पढ़ा जाएगा कि उसका टॉप लेवल डोमेन क्या है। डॉट कॉम है तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, डॉट कॉम के डोमेन सर्वर के पास भेज देगा, रूट डोमेन सर्वर के पास, जिसके पास डॉट कॉम वाली सारी वेबसाइट्स का पता होगा, मतलब डॉट कॉम के जितने भी सर्वर्स होंगे, नेम सर्वर होंगे, इनकी इंफॉर्मेशन होगी कि डॉट कॉम के सर्वर कहां कहां पड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जगह जगह लगे होते हैं, इनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है। आप जाए इंटरनेट पे और वहां सर्च करें www.root-servers.org, तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में कितने रूट सर्वर अवेलेबल है, और इन्हीं के पास जानकारी है सभी की। .com का अलग रूट सर्वर होगा, .in का अलग रूट सर्वर होगा, .org का अलग रूट सर्वर होगा, और उनके पास .org वाले सारे डोमेन्स की जानकारी होती है, या कहां कहां और जो .org के सर्वर पड़े हुए हैं, नेम सर्वर पड़े हुए हैं, उनकी जानकारी होती है। तो अब बेसिकली रिजॉल्वर क्या करेगा, वो रूट नेम सर्वर के पास जाएगा। कौन से रूट नेम सर्वर के पास जाएगा, .com वाला जो रूट नेम सर्वर है उसके पास जाएगा, और बोलेगा कि क्या आपको www.techguftgu जो वेबसाइट है techguftgu.com इसकी जानकारी है। वो बोलेगा मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, वो रिप्लाई करेगा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको .com वाला जो इसका है ना, मैं उस बंदे के पास भेज सकता हूं। तो जिसके पास techguftgu.com पड़ा होगा, मैं उसके पास आपको भेज सकता हूं। तो वो कहेगा ठीक है आप उसके पास भेज दें। तो ये जो रिक्वेस्ट है, अब ये उसका आईपी एड्रेस बताएगा जो दूसरा नेम सर्वर होगा, मेरा दूसरा नेम सर्वर, जिसके पास कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी guftgu.com के guftgu.com की, यानी अब .com के साथ ये वाला भी आ जाएगा technicalguftgu.com। तो techguftgu.com की जिसके पास जानकारी होगी, सपोज इसका आईपी एड्रेस है 11.1.1.1, तो ये रिप्लाई में इसको यही आईपी एड्रेस बताएगा कि आपने जो है इस आईपी पे जाना है, ये आपकी मदद कर सकता है। तो अब DNS रिजॉल्वर इस आईपी के पास जाएगा और इसको बोलेगा क्या आपको पता है www.techguftgu कहां पे है, techguftgu.com ये वेबसाइट कहाँ है। तो ये कहेगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये जो www वाली जो आपका है, इसकी जो जानकारी है www.techguftgu.com, ये इस वाले सर्वर के पास हो सकती है। तो एक और नेम सर्वर होगा जिसकी आईपी होगी 12.1.1, तो ये बोलेगा आप इससे पता करें इसके पास ये होगा, क्योंकि www वाले तो सारे जो एड्रेसेस है इसी के पास सेव है। तो अब क्या होगा, वो रिक्वेस्ट जाएगी यहां इस आईपी के पास, इसने ये आईपी इसको रिप्लाई में भेजा कि आप इस पे बात करके, आप इस पे बात करके देखें। तो अब ये इस आईपी पे बात करेगा 12.1.1 और ये इसको बोलेगा क्या आपको पता है www.techguftgu.com का एड्रेस क्या है। तो ये अपनी डायरेक्टरी में चेक करेगा, अपनी लिस्ट में चेक करेगा, क्या ये वेबसाइट मेरे पास है इसकी इंफॉर्मेशन। तो ये देखेगा हाँ इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तब ये टैग गुफ्तगु का आईपी एड्रेस बताएगा 20.20.20.20 कि भैया ये आईपी एड्रेस है इस वेबसाइट का। अब ये DNS रिजॉल्वर के पास आएगा, DNS रिप्लाई में ये आईपी एड्रेस देगा इसको कि आपने रिप्लाई करना है 20.20.20.20 पे। तो अब ये किसको पिंग करेगा, 20.20.20.20 को, इंटरनेट के थ्रू और सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और वहां से फिर अब इसको रेस्पॉन्स आने लगेगा, ये अपनी वेबसाइट एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से ये सारा काम होता है DNS जो करता है। तो ये किस तरीके से स्टार्ट होगा, टॉप लेवल से स्टार्ट होता है, यानी जो रूट होती है उसे डॉट बोलते हैं हम लोग, ये मेरा रूट होता है। ये जो रूट कनेक्टेड होता है ये अपने टॉप लेवल डोमेन से कनेक्ट होता है, जैसे कि .com से कनेक्ट है, .in से कनेक्ट है, .org से कनेक्ट है, दीज आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन, TLD इन्हें बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन। इनके नीचे फिर इनके सेकंड लेवल डोमेन होते हैं, सब डोमेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया अमेजन, आप कह लें कि .amazon यहाँ पे आ गया, और इसके नीचे आ गया .doc, ये आ गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके के जो डोमेन है इस तरीके से हम इन्हें पढ़ते हैं, डॉट, तो इसका मतलब क्या हुआ, doc.amazon.com जो है हमारा, ये इसको एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपने एक्सेस करना हो www.amazon.com, तो ये भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट, आप कह सकते हैं हायरार्की बनी हुई होती है, जो रूट से स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर वो इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ जाती है। तो आपका जो वेबसाइट है www.techguftgu.com, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा DNS जो है ये रिजॉल्व करके हमको देता है। और जो लास्ट नेम सर्वर होता है, जिसको आपके वेबसाइट के बारे में एक्चुअल में पता होता है,
जो लास्ट नेम सर्वर था जिसने मुझे मेरे वेबसाइट का आईपी एड्रेस बताया था कि भैया ये आईपी एड्रेस है आपके वेबसाइट का जो आप सर्च करना चाहते हो, तो उस सर्वर को हम लोग बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर। यानी ये वो सर्वर है जिसको जानकारी है आपकी वेबसाइट की, आपके सर्वर की जानकारी है कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, उस वेबसाइट का एड्रेस क्या है। तो जिसको आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस पता होगा उस नेम सर्वर को हम कहेंगे अथॉरिटेटिव सर्वर। और बाकी के जो बीच में सर्वर है वो नेम सर्वर होते हैं हमारे, ठीक है ना, रिकर्सिव सर्वर उन्हें आप कह सकते हैं। और जो रूट नेम सर्वर है उसको जानकारी होती है एंड में लगे हुए रूट की, डॉट कॉम हो सकता है, डॉट ओआरजी हो सकता है, डॉट आईएन हो सकता है, डॉट यूएस हो सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, AWS के अंदर दो तरीके के आपके आप कह सकते हैं कि टॉप लेवल डोमेन होते हैं। एक पहला होता है आपका जेनरिक डोमेन, जेनरिक लेवल डोमेन, और एक आपके पास होता है दूसरा ज्योग्राफिक लेवल डोमेन। तो दो तरीके के डोमेन AWS के अंदर आपको मिलेंगे, बाकी होते बहुत टाइप के हैं, बट फिलहाल जो हमें जो दो पढ़ने हैं वो है जेनरिक डोमेन और आपका ज्योग्राफिक लेवल डोमेन। तो जेनरिक में आ जाएंगे जैसे कि .com आपके पास आ गया, .org आपके पास आ गया, या फिर डॉट जो है आपका नेट आपके पास आ गया। इस तरीके का अगर वेबसाइट के एंड में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जेनरिक लेवल डोमेन है। फिर इनके अलग रूट सर्वर होंगे, .com का रूट सर्वर अलग होगा, .net का अलग होगा, .org का अलग होगा। ऐसे ज्योग्राफिक लेवल डोमेन भी हमारे पास होते हैं जो हर कंट्री के हिसाब से होते हैं, जैसे कि चाइना का .cn के नाम से होगा, US का .us के नाम से है, इंडिया का .in के नाम से है। तो इस तरीके से अलग-अलग आपको मिलेंगे। तो दो तरह के आपको डोमेन मिलेंगे, टॉप लेवल डोमेन मिलेंगे AWS के अंदर। एक मिलेगा जेनरिक लेवल जो .com, .net, .org होगा, एक होगा ज्योग्राफिक लेवल डोमेन जो कंट्री के हिसाब से होगा। तो ये सारे टॉप लेवल डोमेन है मेरे पास। ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा जेनरिक है, ये मेरा ज्योग्राफिक है, ये मेरा अगेन जेनरिक है। इसके नीचे फिर इसके सब डोमेन आते हैं और फिर लास्ट में www लगा हुआ होगा या कुछ और हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाता है और फाइनली हम अपनी वेबसाइट को पहुंच पाते हैं। और ये जो सारा काम है ना, ये विद इन 1 सेकंड और 2 सेकंड में हो जाता है। तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब मेरी रिक्वेस्ट कहां गई है, किधर गई है। आपको तो सीधा आपके 2 या 3 सेकंड बाद सीधा वेब पेज आपका खुल जाएगा technicalguftgu.com का। तो आपको पता नहीं चलता कि बैक एंड पे ये सारा काम हो रहा होगा, पर ये सारा काम बैक एंड पे हो रहा होता है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जो फंक्शन है राउट 53 के, वो 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। DNS मैनेजमेंट, यानी ये जो सारा काम है ये राउट 53 करता है। ट्रैफिक को मैनेज करता है, अगर आपने अपना जो डोमेन है वो किसी और से लिया हुआ है, सपोज गो डैडी से आपने लिया हुआ है, तो उसको ये बताना कि ये वाली वेबसाइट मेरे यहाँ पड़ी हुई है AWS पे, तो ट्रैफिक यहाँ पे आना चाहिए। तो वो सारा मैनेजमेंट ये करता है। अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग का मतलब आपको पता है कि कौन सा मेरा सर्वर हेल्दी है, कौन सा नहीं है, इसकी जानकारी रखना। और डोमेन रजिस्ट्रेशन, अगर कोई नया डोमेन आप खरीदना चाहते हैं तो आप AWS से भी ले सकते हैं। ये चारों बातें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो आई होप आपको राउट 53 का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। मैं इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं बना रहा, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा सा हम करेंगे ताकि ये चीजें जो है आपके साथ हौच-पौच ना हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले लेक्चर में मैं आपको अब इसकी पॉइंट वाइज एग्जाम में क्या आता है उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस लेक्चर को देखने से पहले आपने अगर ये यहां तक देख लिया है, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट में जाके, CCNA की प्लेलिस्ट में जाके, एक डोमेन नेम सिस्टम के नाम से आपको वहां पे एक वीडियो नजर आएगी, उसको जरूर देखें अगर आप राउट 53 को अच्छे से समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप जरूर उस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद आप मेरे राउट 53 के आगे के लेक्चर कंटिन्यू करें, सो दैट आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ पाए कि राउट 53 कैसे काम करता है। आई होप आपको अब तक के सारे लेक्चर अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फेसबुक के ऊपर और मुझे भी जरूर बताएं। और ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।